नमस्कार। आज मैं क्लास 9th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स लेसन नंबर 3 पॉवर्टी एज चैलेंज के बारे में बताऊंगा। पॉवर्टी एज चैलेंज को हिंदी में गरीबी एक चुनौती कह सकते हैं। पॉवर्टी मीन्स होती है गरीबी। तो आप सबको यह पता होगा कि पहले हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। पहले हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, कहते थे। पर हमारे देश में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे हमारे देश अभी तक नहीं उबर पाया। ब्रिटिशर्स का आना, सोना ले जाना, बहुत सारी चीज़ें, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई जिससे हमारा देश अभी तक उभर नहीं पाया। और अभी भी हमारे देश में बहुत गरीबी है। हमारा देश अभी भी बहुत गरीब है। तो पहले पॉवर्टी का मतलब समझते, पॉवर्टी से समझते हैं हम लैक ऑफ बेसिक नीड्स, यानी बेसिक नीड्स पूरी ना होना, जैसे एजुकेशन ना मिलना, खाने के लिए कुछ ना होना, पहनने के लिए कपड़े ना होना और रहने के लिए घर ना होना। यानी सिंपल है, नो फूड, नो क्लोथ्स, नो होम इज नोन एज पॉवर्टी। तो पता कैसे चलता है कि कौन गरीब है और कौन नहीं? तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक पॉवर्टी लाइन बना रखी है जिसे हिंदी में गरीबी रेखा कहा जाता है। पॉवर्टी लाइन लोगों की इनकम को देखकर बताती है कि गरीब है कि नहीं। पॉवर्टी लाइन जो होती है उस व्यक्ति की आय यानी इनकम जो होती है उसको देखकर पता चलता है कि ये व्यक्ति गरीब है या नहीं। इसका मतलब है जिन जिन लोगों की इनकम पॉवर्टी लाइन के नीचे है वो गरीबों की कैटेगरी में आते हैं और वो लोग अपनी बेसिक नीड्स तक पूरी नहीं कर सकते। यानी जो गरीब पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं लोग, वो जो होते हैं वो अपनी बेसिक नीड्स, अभी बताया था ना पीछे, नो फूड, नो होम, नो क्लोथ्स, ये सब बेसिक नीड्स होती हैं। रोटी, कपड़ा और मकान, ये तो आवश्यकता है ना। तो ये लोग जो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं वो अपनी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं कर पाते। तो पॉवर्टी लाइन हर कंट्री में अलग अलग होती है। हर देश में पॉवर्टी लाइन क्या होती है, अलग अलग होती है और टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। अब ये भी नहीं कि सेम रहेगी पॉवर्टी लाइन, जो है वो हमेशा चेंज होती, कभी ना समय के अनुसार चेंज होती रहती है। अब पॉवर्टी लाइन कैसे डिसाइड की जाती है, मतलब हाउ पॉवर्टी लाइन इज डिसाइडेड, यानी पॉवर्टी लाइन कैसे डिसाइड की जाती है। तो उसके लिए एक लिस्ट बनाई जाती है, ऐसे एक इंसान एक लिस्ट बनाई जाती है कि एक इंसान को कितना खाना, कपड़े, बिजली, पानी वगैरह चाहिए होता है और फिर उन सब चीज़ों के प्राइस को ऐड करके पॉवर्टी लाइन निकाली जाती है। यानी खाना, कपड़े, बिजली, पानी, इन सब का टोटल करने के बाद पॉवर्टी लाइन निकाली जाती है। सरकार के 2011 और 12 के
साल के अनुसार अकॉर्डिंग टू 2011 एंड 12 रूरल एरिया में यानी ग्रामीण क्षेत्रों में एक व्यक्ति की पर मंथ की सैलरी तनख्वाह 816 से कम है तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, और वहीं शहरों में 1,000 से कम है तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। और परिवार की पर मंथ की इनकम अगर गांव में 4,080 यानी 4,080 रुपीज़ से कम है तो वो परिवार पॉवर्टी लाइन के नीचे रहता है। और अर्बन में यानी शहर में अगर 5,000 रुपये से उस परिवार की सैलरी कम है, इनकम आय कम है तो पर मंथ तो वो पॉवर्टी लाइन गरीबी रेखा के नीचे रहता है। तो आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि शहर में पॉवर्टी लाइन इतनी ऊपर क्यों है। देखा होगा ना आपने, मैंने बताया अभी 816 तो वहाँ पर गांव की और 1,000 अर्बन यानी शहर की है, तो डिफरेंस क्यों है इतना पॉवर्टी लाइन के अंदर। बेटा इसका जवाब ये है कि शहर में चीज़ें, शहर की जो चीज़ों चीज़ होती है, कोई चीज़ हम खरीदते हैं तो उनकी कीमत गांव से महंगी होती है। शहर में जो चीज़ होती है और गांव में जो चीज़ होती है, गांव में सस्ती मिलेंगी, शहर में क्या होंगी थोड़ी महंगी मिलती हैं, इसलिए पॉवर्टी लाइन भी क्या होती है थोड़ी ऊपर पाई जाती है। गवर्नमेंट ने यह भी डिसाइड किया है कि कैलोरीज कितनी चाहिए खाने में, मैंने एक इंसान एक दिन में जो खाना खाता है उसमें कितनी कैलोरीज होनी चाहिए। तो गांव वालों को 2,400 2,400 कैलोरीज चाहिए, वहीं शहर वाले को 2,100 यानी 2,100 कैलोरीज चाहिए। आप फिर सोच रहे हो गांव वालों को ज़्यादा कैलोरीज क्यों चाहिए और शहरों को कम क्यों। वो इसलिए चाहिए होती क्योंकि गांव के व्यक्ति दिन भर धूप में काम करते हैं और वहीं शहर के व्यक्ति ऑफिस वर्क करेंगे, पंखा होगा उनके नीचे, एसी होगा, कहीं कूलर होगा, काम करेंगे, बैठे बैठे काम होता है, थोड़ा बहुत फील्ड काम होता है, पर गांव का व्यक्ति पूरे दिन खेत में लगा रहता है, इसलिए उन्हें कैलोरीज ज़्यादा चाहिए होती हैं। तो आपको एक बात और बताऊंगा, बता दूं कि इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा जो है वो है 1.9 डॉलर, या डॉलर रुपीज़ नहीं, डॉलर, यानी जो इंसान एक दिन में, इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बात की जा रही बेटा, ध्यान देना, जो इंसान एक दिन में 1.9 डॉलर नहीं कमा पाता वह गरीब है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन यानी अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा के अनुसार। जो व्यक्ति 1.9 डॉलर एक दिन में नहीं कमाता वो गरीब है। इंडिया में 1993 में 1993 में 45% लोग गरीबी के शिकार थे। 1993 में 45% लोग गरीबी के शिकार थे और 2011-12 में यह आंकड़ा 22% तक पहुंच गया, यानी गरीबी क्या हुई धीरे धीरे कम हो गई। तो सबसे बुरा हाल जो है हमारे यहाँ पर वो है शेड्यूल ट्राइब का, यानी ST की जो कैटेगरी के लोग आते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स का है। 43% लोग जो हैं शेड्यूल ट्राइब के, जो 43% लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। और उसके बाद आते हैं शेड्यूल कास्ट, ने SC जिन्हें कहा जाता है, उसमें 29% पॉवर्टी लाइन के नीचे, पर 29% जो लोग हैं वो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं। तो ये तो हो गई बेटा सोशल ग्रुप्स के अकॉर्डिंग बात। अब बात करते हैं ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग, ऑक्यूपेशन के अनुसार, यानी ऑक्यूपेशन मतलब पता है व्यवसाय।
तो 34% एग्रीकल्चरल लेबर्स जो हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन की लिस्ट में आते हैं। 34% एग्रीकल्चरल लेबर्स जो हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे की लिस्ट में आते हैं। एग्रीकल्चरल लेबर्स वो लोग हैं जिनके पास खुद के खेत नहीं होते और वो दूसरे के खेत में जाकर काम करते हैं। एग्रीकल्चरल लेबर्स कौन से व्यक्ति होते हैं? वो लोग जो जिनके पास अपने स्वयं के खेत नहीं होते और दूसरों के खेतों में जाके काम करते हैं। और शहरों में भी कैजुअल लेबरर्स का भी यही हाल है, कैजुअल लेबरर्स होते हैं। 34% कैजुअल लेबर्स बिलो पॉवर्टी लाइन की लिस्ट में आते हैं, यानी 34% कैजुअल लेबरर्स बिलो पॉवर्टी लाइन की लिस्ट में आते हैं। कैजुअल लेबर्स वो लोग होते हैं जो शहरों में फैक्ट्रीज में काम करते हैं या कोई छोटा मोटा काम करते हैं, ठीक है, जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, छोटा मोटा कोई काम करते हैं, वो कैजुअल लेबर्स के अंतर है। और जेंडर इम्पोर्टेंट है, जेंडर और एज से बहुत फ़र्क पड़ता है, जेंडर और एज से ही बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे फीमेल्स, महिलाएं हैं, बच्चे हैं और बूढ़े हैं, बूढ़े लोग के बिलो पॉवर्टी लाइन में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगला टॉपिक है हमारा इंटर स्टेट डिस्पेरिटीज़। सबसे ज़्यादा बुरा हाल है बेटा उड़ीसा का और बिहार का। बिहार में 33.7% लोग गरीब रेखा के नीचे आते हैं और वहीं उड़ीसा में 32.6% लोग गरीब हैं। लेकिन वहीं केरला, जम्मू कश्मीर, गुजरात, वेस्ट बंगाल, पंजाब और हरियाणा का हाल इनसे थोड़ा सा बढ़िया है। पंजाब और हरियाणा में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति को जल्दी से अपना लिया और अच्छी खेती हुई और अच्छे पैसे भी मिले। केरला स्टेट ने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर फोकस किया, यानी उन्होंने अपनी स्टेट के लोगों को पढ़ाया लिखाया और सेहत पर ध्यान दिया। वेस्ट बंगाल में लैंड रिफॉर्म्स लाए गए, यानी ज़मीन को दोबारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया और फिर वेस्ट बंगाल में गरीबी एकदम से कम हो गई। 1990 में यानी 1990 में वर्ल्ड में 35% पॉपुलेशन गरीब थी। बेटा वर्ल्ड की बात है, विश्व की बात की जा रही है। 1990 में पूरे विश्व में 35% पॉपुलेशन यानी जनसंख्या जो थी वो गरीब थी, यानी वो दिन के 1.9 डॉलर भी नहीं कमा पाते थे। 1990 में 35% पॉपुलेशन क्या थी? गरीब थी। वो दिन के, अब वर्ल्ड की बात की तो इंटरनेशनल बात चलेगी, तो वो दिन के 1.9 डॉलर भी नहीं कमा पाते थे। और अब 2013 में यह 10.5% पहुंच गई है। 35% से क्या हुआ, 10.5% पहुंच गई है। सबसे ज़्यादा गरीबी जो है वो अफ्रीका में है, अभी भी अफ्रीका में सबसे ज़्यादा गरीबी है। अगला टॉपिक है हमारा मेन कॉजेस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, यानी ऐसे कौन से बड़े कारण थे जिससे इतनी गरीबी हो गई भारत में। पहला, ब्रिटिशर्स, सबसे बड़ी वजह थी ब्रिटिशर्स
इनके राज में इंडिया का डेवलपमेंट रुक गया था। ब्रिटिशर्स ने इंडिया को बहुत ज़्यादा लूटा और उनकी बेकार पॉलिसीज़ की वजह से इंडिया का बुरा हाल हो गया। सेकंड पॉइंट है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज एंड लैंड इन इंडिया। मतलब इंडिया में रिसोर्सेज और लैंड अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो कि पॉवर्टी का बड़ा रीज़न है। इसके कारण अमीर लोग और भी अमीर हो रहे हैं और गरीब लोग और भी गरीब हो रहे हैं, होते जा रहे हैं। थर्ड पॉइंट है मैनी पॉलिसीज़। इंडिया में बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं जिससे गरीबी को मिटाया जा सकता है, बट उनका इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं होता, जिसकी वजह से देश की जनता अभी भी गरीब है। फोर्थ पॉइंट है स्मॉल फार्मर्स टेक लोन फ्रॉम बिग फार्मर्स एंड देन आर अनेबल टू रीपे इट। मतलब छोटे किसान को सीड्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह के लिए पैसे चाहिए होते हैं और वो बड़े फार्मर्स से लोन ले लेते हैं, जिसको वो कभी चुका नहीं पाते क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई होता है, और इस कंडीशन को हम इनडेप्टनेस भी कहते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है पॉपुलेशन। इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है परंतु जॉब नहीं बढ़ रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारे लोग बेरोज़गार बैठे हुए हैं। सिक्स्थ पॉइंट है शो ऑफ। इंडिया में दिखावा बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण गरीब लोग भी ज़्यादा खर्च करते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल उदाहरण है मैरिज यानी शादी में। नेक्स्ट पॉइंट है सॉल्यूशन क्या होना चाहिए इस पॉवर्टी को हटाने का, मतलब ऐसे कौन कौन से ऐसे सॉल्यूशन होने हो सकते हैं जो पॉवर्टी गरीबी हट सकती है। अगर इकोनॉमी को अच्छे रेट से ग्रो करते हैं तो बहुत सारी जॉब गारंटी जनरेट होंगी। अच्छी तरह अर्थव्यवस्था चलती है तो बहुत सारी जॉब मिलेंगी गारंटी से, जिससे गरीबी भी कम हो जाएगी। और अगर लोग अपने बच्चों को एजुकेशन पर ध्यान दें, अगर जो गार्जियंस है अरे बच्चों के एजुकेशन पर ध्यान देंगे तो इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। और ऐसा हो भी रहा है, गरीब लोग भी आजकल अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। अगला टॉपिक है स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट, यानी एस सरकार ने कौन कौन से ऐसे स्टेप्स उठाए जिससे पॉवर्टी कम हो जाए। फर्स्ट पॉइंट है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। फर्स्ट है पॉइंट प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, जो 1993 यानी 1993 में शुरू हुई। इसका एम था जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो गांव गांव में सरकार उन्हें खुद का बिजनेस स्टार्ट करने में मदद करेगी। सेकंड पॉइंट है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो 1995 यानी 1995 में शुरू हुआ, इसका एम था लोगों का छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना, जिससे गांव और शहरों में 25 लाख जॉब्स आएंगी, उसका उद्देश्य था। थर्ड पॉइंट है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो 1999 में
आई, इसका एम था गरीब लोगों को पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाना। यह काम गवर्नमेंट सब्सिडी और चीप लोन्स देकर करना चाहती थी। फोर्थ पॉइंट है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो 2000 में आई। इसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार को पैसा देती थी गांव में स्कूल्स, घर, क्लिनिक्स बनाने के लिए, यानी लोगों की बेसिक नीड को पूरा करने के लिए। फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है आपका नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो 2005 में आया, यानी नरेगा जिसे कहा जाता है नरेगा। बेटा ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं तो ध्यान दें सारे बच्चे। इस नरेगा के की एलिमेंट्स एंड की फीचर्स क्या थे नरेगा के? पहला पॉइंट है यह योजना में गवर्नमेंट सरकार साल में 100 दिन रोज़गार देगी। यह शुरू में सिर्फ 200 डिस्ट्रिक्ट में लाया गया था। सेकंड पॉइंट है इसमें एक तिहाई जॉब वुमेंस के लिए रिज़र्व रहती थी, महिलाओं के लिए रिज़र्व रहती थी एक तिहाई जॉब, और अब यह 600 से अधिक ज़्यादा ज़िलों में लागू हो चुका है। थर्ड पॉइंट है अगर मान लो किसी इंसान को सरकार 15 दिन के अंदर एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाती है इस योजना के तहत, इस एक्ट के तहत, तो उसे घर बैठे बैठे पैसे मिलते हैं जिसे डेली अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस कहते हैं। तो बेटा चैप्टर तो कंप्लीट होता है, गवर्नमेंट काफ़ी सारे स्टेप्स उठाती है पॉवर्टी गरीबी कम करने के लिए, कभी कोई स्कीम लेके आ रही कभी कोई स्कीम लेके आ रही, परंतु हमारे देश में ये गरीबी कम नहीं हो रही। उसका मुख्य कारण है उन स्कीम्स का प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये सारा चैप्टर समझ में आया होगा, और कोई भी क्वेरी है आपकी इस चैप्टर से रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट करें और पूछें। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।